स्टूडेंट कैसे हैं और आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए और क्या करते हैं कि एक से लेकर 10 तक और स्क्वायर निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि 0 का स्क्वायर 0 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो आप लोग को पता तो लिख देते हैं होता। तो चलिए और अब इसके लास्ट वाले संख्या को ध्यान में रखते हैं। तो इसकी लास्ट वाली संख्या को हम देखते हैं। तो हम इसके देखेंगे कि लास्ट संख्या 0 आया है और क्या है 1 आया और 4 आया है, कितना है 9 6, इसका कितना है 5 और इसका लास्ट संख्या आपका कितना है 6 और इसके लास्ट में कितना है 9 और इसी प्रकार इसके संख्या हम देखते हैं। तो इसके लास्ट में क्या आया 4 आया है और इसके लास्ट में 1। तो इसी प्रकार देखिए और देखते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके लास्ट में क्या क्या आया 0 1 4 9 6 और क्या है 5 6 9 और 4 1। तो हम देखते हैं चलिए और इसके इकाई अंक को ध्यान देते। तो हमने देखा क्या है 0, जब 0 का स्क्वायर किया तो 0 आया और 1 आया है और उसके बाद देखो किसी के इकाई लास्ट में आपका 2 आया है नहीं, यानी 2 नहीं है, 2 नहीं है। उसके बाद देखो किसी का लास्ट में 3 आया है तो यहाँ 6 है 9 है 9 है 6 है 5 है। किसी के लास्ट में आपका आया 2 3 नहीं, 3 भी नहीं आया है। और उसके बाद 4, तो 4 इसके भी लास्ट में है और किसके और देखते हैं और इसके 8 की भी लास्ट में है। और उसके बाद क्या होता है 5, तो 5 आया है, हाँ 5 का स्क्वायर करने में लास्ट में इसका क्या आया 5 आया है। और कोई संख्या देख लेते 6, तो 6 4 का स्क्वायर करने पर आया है और 7, तो 7 आपका नहीं आया यानी 7 भी नहीं आया किसी के लास्ट में। और 8 देखो आया है नहीं आया किसी के लास्ट में, तो 8 भी नहीं आया है। और यानी इतनी संख्याएं जो है लास्ट में नहीं आया। और उसके बाद 9, तो 9 इसके भी आया और 3 का स्क्वायर करने पर भी आया है और हो गया आपका। यानी कहने का अगर जिस संख्या के लास्ट में अगर 2 3 7 8 है तो वह संख्या पर क्या होगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। क्या होगा पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। यानी अगर जिस संख्या के लास्ट में अगर 2 3 7 8 आता है तो संख्या पर क्या होता है पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। तो हमने ये देखा कि ये जिसके लास्ट में आएंगे तो जान जाओ कि संख्या जो है क्या है पूर्ण वर्गमूल है। तो इसी प्रकार हमने देखा जब 0 का वर्गमूल किए तो उसके लास्ट इकाई अंक क्या है यानी लास्ट में क्या है 0 और 1 किसका किसका स्क्वायर करने पर आया तो 1 का स्क्वायर किए तभी 1 आया और 9 का स्क्वायर किए तभी क्या आया 1 आया। यानी 1 का स्क्वायर किए तभी 1 आया लास्ट में और 9 का स्क्वायर किए तभी क्या है 9 का स्क्वायर किए तभी 1 आया। और देखो 4 किसके किसके लास्ट में आया तो जब हमने 2 का स्क्वायर किया तब आया और किसका किए और 8 का स्क्वायर किए तब आया और 5 तो 5 केवल 5 का ही करने पर स्क्वायर आया। और 6 का देखो तो 6 किसके किसके लास्ट में आया जब 4 का स्क्वायर किए तब 4 का स्क्वायर किए तब 6 आया और किसके लास्ट में आया जब 6 का स्क्वायर किए तब आया। और 9 को इसी प्रकार देखो तो 9 किसका स्क्वायर करने पर आया लास्ट में तो 3 का जब हमने स्क्वायर किया तब आया 9 और जब 7 का स्क्वायर किया तब क्या आया 9। यानी ये क्या आया ये वर्ग करने पर आया। यानी हमने 7 का स्क्वायर किया तब 9 आया और 3 का स्क्वायर किया तभी उसके लास्ट में क्या आया 9। तो यहाँ तक हो गया। और चलिए हम कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख देते हैं और चलिए और इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पीछे से 2 अंकों क्या करेंगे छांट लेंगे। और देखो अब इसके बाद जो बचा देखेंगे किसका वर्ग करने पर लगभग में आ रहा है उसके करीब। तो अगर हम 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 और अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा यानी 9 अधिक हो जाएगा। किसका वर्ग करने पर आ रहा है 2 का वर्ग करने पर कितना आ रहा है 4 यानी उसके करीबी में लगभग में देखेंगे। और देखेंगे अब उसके बाद लास्ट वाली संख्या को देखते हैं 9 किसमें आता है 3 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 9 आता है। यानी इसका कहने का मतलब इसका 23 का वर्गमूल हो सकता है नहीं तो 27 का वर्गमूल। यानी तो कहने का मतलब 2 है दोनों में से एक ही का कोई होगा। कहने का मतलब नहीं तो 23 का ही वर्गमूल होगा नहीं तो 27। तो कैसे पता करूं ये किसका है ये कहती है कि ये मेरा है मेरे हैं और ये कहती है कि मेरे हैं। तो क्या करोगे देखेंगे कि 23 के करीबी कोई जीरो संख्या ले लेते तो 20 आपका है 20 है ना और उसका स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा 400 कितना आएगा 400। उसी प्रकार 27 के करीब कोई जीरो वाली संख्या पकड़ लेते हैं तो होता है आपका 30 और 30 का स्क्वायर कितना करोगे कितना आएगा 900। अब देखोगे 529 किसके करीब है 400 के करीब है कि 900 के करीब है तो किसके करीब है
400 के करीब है, कहीं ना कहीं बहुत दूर है, इन बहुत दूर है। इसके मतलब कि इसका स्क्वायर क्या होगा, 23 का स्क्वायर कितना है, 529। उसी प्रकार इसका बताइए, पीछे से क्या करेंगे, दो हमको छांट लेंगे और देखेंगे सात किसके करीब है। तो सात हम जानते हैं कि चार, दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका चार, और तीन का नौ हो जाएगा, तो दो रख लेते हैं। और चार देखेंगे किसके किसके लास्ट में आता है, तो अगर हम चार किसके किसके लास्ट में आता है, तो अगर दो का स्क्वायर करें तब आता है, या आठ का स्क्वायर करने पर आता है, वहां पर लिखे हैं, यानी इक्याने का मतलब इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, नहीं तो 22 का वर्गमूल हो सकता है क्यों, नहीं तो किसका 28 का हो सकता है। तो कंफर्म नहीं है किसका है, एक कहती है मेरी है और एक कहती है 28 का, ताकि क्या है मेरे है, तो किसका है, तो चलो जांच करते हैं। तो हम इसका 20 का वर्ग निकालें, इसके करीबी कोई जीरो संख्या पकड़ लेते हैं, तो हम जानते हैं कि 20 का वर्ग होता है कितना 400। इसी प्रकार इसके करीबी कौन है, 3, तो करोगे इसका स्क्वायर कितना होगा 900, कितना होगा 900। तो यह जीरो वाला तो आसान ही होता है स्क्वायर निकालना, तो देखेंगे कि जो 700 कितना है, 784 किसके करीब है, 400 के करीब है इसके, तो किसके करीब है इसके, यानी किसका स्क्वायर है 28 का। इसी प्रकार इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो पीछे से क्या करते हैं, दो को दो छांट लेते हैं और हल करते हैं, तो हम देखेंगे जो 68 है किसके करीब है, किसका वर्ग करने पे आ रहा है, तो अगर 8 का वर्ग करेंगे आपका कितना होता है 64, यानी इसी के करीब में आ रहा है लगभग में देखते हैं। और देखेंगे हम 9 किनका वर्ग करने पे आता है, तो 9 3 का वर्ग करने पे आता है, यानी 83 भी हो सकता है, यानी 83 का वर्गमूल भी हो सकता है 87 का। ये कहेगी कि तुम मेरे हो और ये कहेगी तुम मेरे हो, तो अब इसका डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी ये 83 का है कि 87 का। तो हम 83 के करीबी कोई जीरो संख्या वाला पकड़ लेते हैं अंक, तो आपका होता है 80, और 80 का स्क्वायर तो हम निकालेंगे, वो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 स्क्वायर होता है, और डबल जीरो बढ़ा दो। इसी प्रकार इसका करोगे तो किसके करीब में, लगभग 90 के करीब में, तो 90 का स्क्वायर तो आप निकालेंगे, 90 होता है 9 का होता है 81, डबल जीरो बढ़ा दो, तो आप देखेंगे आपका 6800 कितना 89 किसके करीब है, किसके करीब है, तो 83 के करीब है। इसका स्क्वायर कितना होगा 83 का स्क्वायर। इसी प्रकार इसका बताओ, तो पीछे से क्या करेंगे, दो हमको छांट लेंगे और देखेंगे 104 किसके करीब है, तो 104 जो है किसके करीब में है, तो 100 का 10 का स्क्वायर करने पे आपका कितना आता है 100 आता है, या तो 11 का करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 11 का 121 आता है, तो अधिक हो जाएगा, तो हो गया। और लास्ट में किसका 4 आता है, यानी 2 का स्क्वायर करने, 4 किसके किसके लास्ट में आता है, तो या नहीं तो 2 का स्क्वायर करने पर, नहीं तो 8 का, 8 का भी स्क्वायर करोगे तो 64 होता है ना, नहीं तो 102 का स्क्वायर ये हो सकता है, नहीं तो 108 का, तो ये कंफर्म नहीं है किसका हो सकता है। तो चलिए और हम निकाल लेते आगे, तो आगे निकालोगे तो यानी 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो यानी कितना होगा आपका 4000 और बढ़ा लो, 4 यानी कितना हो जाएगा 10000। अब इसी प्रकार इसका कर लेते हैं, तो यानी 108 के करीबी कौन है, 111 ले लेते हैं, क्या 111, तो 111 का भी स्क्वायर निकाल ही लोगे कितना होता है, या 121 यानी इतना हो जाएगा, डबल जीरो बढ़ा लो, हो गया। तो देखो ये किसके करीब है, इसके करीब है कि इसके करीब, 102 के करीब है कि 108 के करीब, तो किसके करीब है 102 के करीब, यानी इसी के अलावा 404 है ना अधिक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा 100। तो और बताते हैं,